हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लव योरसेल्फ बाय डीडी। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ वो है एमोलिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये आपको कोई कॉस्मेटिक स्टोर में ये क्रीम नहीं मिलेगा, ये आपको कोई फार्मेसी में मिलेगा। इसका मेन जो इंग्रेडिएंट्स है, एक ही इंग्रेडिएंट्स है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। और ये प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। पीछे आप लोग देख सकते हैं एक पॉइंटेड सा नुकीला सा चीज़ बना हुआ है प्लास्टिक का। जब आपको सील काटना पड़ता है तो इसको ऐसे प्लेस करके ऐसे आपको घुमाना पड़ता है तो ये सील कट जाता है। अब देखिए, मैं प्रोडक्ट को दिखा रही हूँ। ये है प्रोडक्ट, बहुत ही लाइट वेट है और वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो कोई भी स्किन में भारीपन सा फील नहीं होता। और डे टाइम स्पेशली समर के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही स्मूदली ब्लेंड हो जाता है, पूरा वाटर बेस है और कुछ भी भारीपन स्किन में नहीं फील होता, तो हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये देखिए, और इस्तेमाल के तुरंत बाद ही आपको एक ठंडा सा फील होगा। देखिए, ये मेरा बेयर स्किन है और ये मैं अप्लाई कर चुकी हूँ इस स्किन में, इस हैंड में। ये देखिए दोनों का डिफरेंस आप लोग देख ही सकते हैं, कितना मॉइस्चराइज्ड लग रहा है मेरा ये हैंड। तो मैंने पहले जो बॉडी शॉप का एक योगर्ट का, बॉडी शॉप के योगर्ट का जो रिव्यू किया है मेरे चैनल में, आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने वो जैसे क्रीम का कंसिस्टेंसी था, वाटर बेस्ड था और इजीली बहुत ही स्किन में ग्लाइड हो रहा था, वैसा ही मैंने पाया इस क्रीम में भी। पर ये क्रीम का इंग्रेडिएंट्स उससे कुछ अलग है और ये आप लोग फेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो बॉडी योगर्ट सिर्फ बॉडी के लिए है। हालांकि मेरा ड्राई स्किन है, फिर भी मुझे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये आप लोग डे टाइम में इस्तेमाल करें तो स्किन में ज़्यादा भारीपन फील नहीं होता, बहुत ही लाइट वेट होता है वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होते हैं। और ये वाटर बेस होने के बावजूद भी वेरी वेरी ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा मॉइस्चराइज करता है वो स्किन, तो इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं इसे ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन हर किसी को भी रिकमेंड करूँगी। आप लोग एक बार इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के पास कुछ अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लेके आ सकूँ प्रोडक्ट का। थैंक यू।